हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम द पॉलिटेक्निक क्लासेस। आज हम उस क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं जो एग्जाम में आने वाला क्वेश्चंस है, पूछे जाने वाले क्वेश्चंस है। वैसे क्वेश्चंस को हम आज बताने वाले हैं। आप लोग को बता दे, भी है जिसको आप लोग नाम से प्रचलित कर चुके हैं, वो क्वेश्चंस को आपके सामने ला रहे हैं। और वो DPP1, यानी DPP1 मतलब डेली प्रैक्टिस पेपर 1 है। ये द पॉलिटेक्निक क्लासेस के द्वारा पूरे बिहार में सबसे पहले ये प्रोसेस को स्टार्ट किया गया है, DPP1 यानी डेली प्रैक्टिस पेपर। ठीक है ना, इसको डेली आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, इसमें आपको क्वेश्चन जो दिए रहेंगे उसको डेली प्रैक्टिस करना है, इसका नाम ही ये है। और ये जो है माइक्रो प्रोसेसर प्लस कंट्रोलर, माइक्रो प्रोसेसर प्लस कंट्रोलर शॉर्ट नेम में लिखा गया है। ठीक है, तो आपको आज हम उसको सारे क्वेश्चंस को बताएंगे जो आपको एग्जाम में पूछे गए हैं। एग्जाम में आने की संभावना 100% है, इसका गारंटी मैं लेकर के चलता हूं कि आपके एग्जाम में यही क्वेश्चंस आएंगे जो मैं अभी डिस्क्राइब करने वाला हूं। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट बहुत अच्छे ढंग से सारे क्वेश्चंस को समझेंगे और अपने नोट्स कॉपी में लिखने का ट्राई करेंगे। और ये एक तरह का क्वेश्चंस बैंक होगा आपका। क्या होगा? क्वेश्चंस बैंक होगा। और क्वेश्चंस बैंक के लिए आप लोग बाजार में जाते हैं, मार्केट में जाते हैं कि कहाँ मिल रहा है, किधर मिल रहा है। अरे भाई, किधर ही नहीं मिल रहा, वो द पॉलिटेक्निक क्लासेस के चैनल पे मिल रहा है। ठीक है ना, वो कहीं नहीं मिलेगा, वो द पॉलिटेक्निक क्लासेस चैनल पे आपको क्वेश्चंस बैंक मिलेगा। तो आप लोग अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो लोग सब्सक्राइब किए हुए हैं इस वीडियो को इतना शेयर कर दीजिए कि हर एक स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स स्टूडेंट के पास ये वीडियो पहुंच जाए, ताकि वो एग्जाम में बहुत अच्छा कर पाए। ये आप लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है दोस्त, कि आप लोग किस तरह से इस वीडियो को सभी स्टूडेंट्स के पास पहुंचाएंगे। जितने ग्रुप हैं, जितने आपको फ्रेंड्स हैं, सारे फ्रेंड्स के पास ये आप लोग शेयर करेंगे। यहाँ पे सारे क्वेश्चंस बैंक आपको दिए गए हैं, क्वेश्चंस बैंक का सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं जो आपको आने एग्जाम में, और यही आएगा, फिक्स है, 100% है। अगर आपको, आप हमें बहुत अच्छा से जानते होंगे तो आपको शायद ये अनुभव लग ही चुका होगा कि सर जो बताते हैं वो कहीं ना कहीं बहुत सही होता है। एमसीक्यू तहक तक आप लोग को मैं वहां पे एग्जाम में टकराता हूँ, तो सब्जेक्टिव ही है, तो 4 नंबर 6 नंबर दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोग शेयर कर दिए होंगे और अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक भी कर दिए होंगे। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, ठीक है, पहला क्वेश्चन सबसे है, यहाँ से ध्यान से आप लोग देखिएगा। पहला क्वेश्चन, इतना ही क्वेश्चन आपको पढ़ना है, ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं। यूनिट 1 में जितना क्वेश्चन दे रहे इतना पढ़ लेते हैं, तो आपको सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा, VBA क्वेश्चंस भी कंप्लीट हो जाएगा, और आपको किसी भी तरीका से परेशानी नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ड्रा द ब्लॉक डायग्राम ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। अगर इस तरीके, देखिए बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है, अगर ब्लॉक डायग्राम माइक्रो प्रोसेसर की बात करता है तो माइक्रो प्रोसेसर का ब्लॉक डायग्राम बनाए हैं उसी डायग्राम को बनाइएगा। ठीक है, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर के इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन जो हम बताए हैं वही चीज लिखेगा। ऐसा एप्लीकेशन आपसे छिपा हुआ है नहीं माइक्रो प्रोसेसर का, जिधर आप उठा कर देख लेंगे उधर माइक्रो प्रोसेसर होगा। जो चीज अभी आप अपने हाथों में लिए हुए हैं वो आपका माइक्रो प्रोसेसर है, जैसा मोबाइल हो या लैपटॉप हो लिए होंगे, ये आपका क्या है, माइक्रो प्रोसेसर का इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है। ठीक है, तो ब्लॉक डायग्राम में जो हम बताए हैं उसको आपको लिखना है, जिसमें आपको बताए थे इनपुट डिवाइस, इसको कैसे बोले, इनपुट बनाए थे एक डिब्बा आपको, या हम यूपी बनाए थे, यहाँ पे आउटपुट बनाए थे, और नीचे में मेमोरी बनाए थे। इसको आपको बहुत अच्छे से लिखना होगा। ठीक है, ये ब्लॉक डायग्राम है, नहीं तो आप माइक्रो प्रोसेसर को 3 भागों में डिवाइड कर दीजिएगा। ठीक है ना, ALU, CU और मेमोरी। आप ये इस तरह कर सकते हैं, रजिस्टर एरे, मेमोरी नहीं रजिस्टर एरे, नीचे में मेमोरी। ये दो आपको बताए थे हम, ये कंपोनेंट में बताए थे, इसमें सारे चीजों डेरिवेशंस किए हैं, चाहे तो आप ये बना सकते हैं, नहीं तो आप ये बना सकते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, लिस्ट ऑफ 16-बिट रजिस्टर, यानी 16-बिट का कौन कौन रजिस्टर होते हैं वो बताना है, जिसमें आपको बताया थे कि जनरली PC और आपका ASP स्टैक पॉइंटर और प्रोग्राम काउंटर, ये दोनों रजिस्टर 16-बिट का रजिस्टर है। अब इन दोनों में से किसी एक को एक्सप्लेन करना, किसको करना है, क्वेश्चंस में नहीं बताया है, लेकिन हाँ प्रोग्राम काउंटर स्टैक पॉइंटर दोनों में से कोई एक को करेगा, बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन ये। फिर ने तीसरा क्वेश्चन, व्हाट आर द इनपुट आउटपुट डिवाइसेस ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर का इनपुट डिवाइसेस कौन सी क्या होता है, या आउटपुट डिवाइसेस क्या होता है,
ये बताना है, और इसका एग्जाम्पल देते, एग्जाम्पल आप माउस, कीबोर्ड, मोनिटर, स्कैनर, प्रिंटर, स्पीकर, ये सब ले सकते हैं। जो इनपुट उसको बोलते हैं जो हम डेटा को दे सके, और आउटपुट उसको बोलते हैं जो आउटपुट हम ले सके। ठीक है, इसे आप लोग पढ़े भी होंगे। आगे 4 नंबर क्वेश्चन, एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ एक्यूमुलेटर। हाँ, ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, ऐसे वीवीआई सारा है, उसमें से ही वीवीआई है, यानी एक्यूमुलेटर का काम क्या है, इसका फंक्शंस को लिखना है। पहला, एक्यूमुलेटर होता क्या है। एक्यूमुलेटर एक तरह का रेसिस्टर है, 8 बिट का ये रेसिस्टर है, जो कि क्या करता है, ये डेटा को एक्यूमुलेट करता है। ठीक है, डेटा को क्या करता है, एक्यूमुलेट करता है, जिससे इसको एक्यूमुलेटर बोला जाता है। किसी भी ऑपरेशंस के लिए फर्स्ट जो डेटा होना चाहिए ये खुद रखता है, यानी फर्स्ट डेटा कहाँ पे होना चाहिए, एक्यूमुलेटर में ही होना चाहिए। और फाइनल रिजल्ट, यानी ऑपरेशंस को पूरा होने के बाद जो रिजल्ट आता है, वो रिजल्ट भी कहाँ पे होता है, एक्यूमुलेटर में ही जाकर स्टोर होता है, इसलिए इसको हम लोग बाय डिफॉल्ट रजिस्टर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बाय डिफॉल्ट रजिस्टर भी इसको बोलते हैं। तो ये इसका बेसिकली मेन पर्पस है। ठीक है, कि फर्स्ट डेटा जो होता है, किसी भी ऑपरेशंस का फर्स्ट डेटा जो होल्ड करता है वो एक्यूमुलेटर ही करता है, और फाइनली जो रिजल्ट स्टोर होता है आकर को एक्यूमुलेटर में ही होता है। देन आफ्टर हम कहीं भी इसको रिसीव या फिर भेज सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 5वां क्वेश्चन, व्हाट आर द वेरियस रजिस्टर ऑफ 8085, इसके पास कितने तरह का रजिस्टर होते हैं वो आपको बताना है। तो जनरल पर्पस रजिस्टर होते हैं, इसके पास स्पेशल पर्पस रजिस्टर होते हैं। जनरल पर्पस रजिस्टर के बारे में आपको लिख देना है, स्पेशल पर्पस के बारे में लिख देना है। उसके बाद और भी रजिस्टर हैं, फ्लैग रजिस्टर है, टेम्पोररी रजिस्टर है, इंस्ट्रक्शंस रजिस्टर है। ठीक है ना, ये सारे रजिस्टर के बारे में भी आपको क्या करना है, लिखना है। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं आप लोगों को पता चल गया, क्लासेस के दौरान सारा कुछ आपको बताया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 6, एक्सप्लेन द आर्किटेक्चर ऑफ 8086 माइक्रोप्रोसेसर। तो ये आपको ध्यान देना, 8086 आर्किटेक्चर। ठीक है, कभी कभी क्या करता है कि ऐसा कहता है कि 8086 या 8085 का ब्लॉक डायग्राम, ध्यान दीजिएगा, ये इसमें बहुत लोगों का कंफ्यूजन है कि सर आप क्या बताते हैं, ये चीज हमको नहीं समझ में आया है, कहाँ पे ब्लॉक डायग्राम बोलेगा तो क्या बनाना है। तो आपको एक ही शब्द में हम बता दें कि चाहे स्पेशल नाम ले ले, एक चीज ऐड कर लीजिएगा 8051। अगर सिंपली आपको कहे कि ब्लॉक डायग्राम ऑफ माइक्रो प्रोसेसर, तो आर्किटेक्चर डायग्राम कोई नहीं बनाएंगे। बात समझ में आया, जब तक वो ना बोले कि 8085 का ब्लॉक डायग्राम, 8086 का ब्लॉक डायग्राम, 8051 का ब्लॉक डायग्राम, तो इस केस में अगर ये पर्सनली नाम लेता है क्वेश्चंस में, तो यहाँ पे आप आर्किटेक्चर डायग्राम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ब्लॉक डायग्राम जो होता है वो नहीं बनाना है, माइक्रो, वो सिंपली माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर का ब्लॉक डायग्राम है, ना कि 8085 8086 का है। 8085 बोले या 8086 बोले या 8051 बोले, ऐसा करके कहता है कि आर्किटेक्चर ना लिख करके, जैसे क्वेश्चन में क्या एक्सप्लेन आर्किटेक्चर है, तो अगर आर्किटेक्चर ना लिख के यहाँ पे लिखता क्या, ब्लॉक डायग्राम, यहाँ पे क्या लिखता, ब्लॉक डायग्राम ऑफ 8086, तो भी हम किसका बनाते, आर्किटेक्चर डायग्राम ही बनाते। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपको बता दें कि 6 मार्क्स में पूछता है, कितने मार्क्स में, 6 मार्क्स में पूछता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया, कहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर का ब्लॉक डायग्राम बनाना है और कहाँ पे 8085 का ब्लॉक डायग्राम बनाना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में सिंपली क्वेश्चन नंबर 1 को देखिए, ये इसमें सिर्फ माइक्रो प्रोसेसर लिखा है, तो इसमें हमको ब्लॉक डायग्राम ये वाला बनाना है हम बताएं, लेकिन यही जगह पे यहाँ पे लिख देता है 8085 का ब्लॉक डायग्राम बनाना है, तब हम क्या आर्किटेक्चर डायग्राम बनाते। तो नाम जब तक ना लिखेगा तब तक नहीं, अब आर्किटेक्चर लिखेगा तो आप लोग समझते ही हैं। तो क्वेश्चंस में ज्यादा चांसेस है बाबू कि आर्किटेक्चर ही लिखेगा, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ब्लॉक डायग्राम भी लिख देता है, जिस कारण लोग कंफ्यूज होकर के उनको ये नहीं पता चलता है कि हम बनाएं क्या। तो उस केस में नेमिंग को ध्यान देना होगा कि 8085 बोल रहा है या फिर सिंपली माइक्रो प्रोसेसर बोल रहा है। ठीक है, नाम बोलेगा तो आर्किटेक्चर, सिंपल माइक्रो प्रोसेसर बोलेगा तो ब्लॉक डायग्राम, जो हम बताए हैं आप लोगों को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, राइट द फीचर ऑफ 8086 माइक्रो प्रोसेसर, इसका जितना भी फीचर्स है सारे को बता देना है। ठीक है, 8वां, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन माइक्रो प्रोसेसर माइक्रो कंट्रोलर, इस क्वेश्चन पे स्टार लगा लीजिए, इस क्वेश्चन पे आप स्टार लगा लीजिए, माइक्रो प्रोसेसर माइक्रो कंट्रोलर के भी क्वेश्चन पे, इस क्वेश्चन पे स्टार लगा लीजिए। ठीक है, 8वां 9वां क्वेश्चन,
व्हाट आर द वेरियस रजिस्टर 8085 और 8051 और जितने तरह का हमने रजिस्टर बताए हैं सारे रजिस्टर को आपको यहाँ पे लिख देना है, जैसा कि बैंक रजिस्टर, स्पेशल फंक्शन रजिस्टर, ठीक है ना, और भी रजिस्टर होते हैं, प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर, स्टैक पॉइंटर रजिस्टर, ठीक है, तो सारे कोई डेटा पॉइंटर रजिस्टर, तो ये सारे रजिस्टर को लिखना है और कोई एक को एक्सप्लेन कर देना, जिसको इच्छा लगे, जिसको अच्छा लगे उसको एक्सप्लेन करना है। 10 नंबर क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के लिए भी स्टार लगाएंगे। व्हाट डू मीन बाय डेटा पॉइंटर, डेटा पॉइंटर क्या है, DTPR, तो आपको दो तरह के बताए थे, एक DPL बताए थे, एक DPH बताए थे, इसका फिगर भी आपको बताया था, बस ये दोनों को क्या करना है आपको लिखना है, ये 16 बिट का क्या होता है, रजिस्टर होता है, ये सबको एक्सप्लेन करना है, ये क्वेश्चन आपका VBA में है। तो 10 क्वेश्चन ये हो गया, और भी कुछ क्वेश्चन है उसको देखते हैं, क्वेश्चन और है जिसमें 11 नंबर क्वेश्चन है पिन डायग्राम से, ये क्वेश्चन आने की संभावना बहुत कम है, बहुत कम है, बहुत कम है, क्यों कम है कि क्योंकि ये आपको पिन डायग्राम दिया नहीं गया है, ठीक है, लेकिन फिर भी हमने पढ़ाया है, लेकिन कभी कभी होता है कि इसका दे दिया जाता है, क्योंकि आर्किटेक्चर डायग्राम में बात करता है, तो वही लिखा है ड्रा द पिन डायग्राम ऑफ 8085 प्रोसेसर, 8085 प्रोसेसर का पिन डायग्राम क्या होता है, उसमें होल्ड पिन, रेडी पिन और सीरियल इनपुट डेटा सिग्नल क्या होता है, ये सब पिन को क्या करना है आपको एक्सप्लेन करना है, ये सब सारे अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। 12 क्वेश्चन इसका VBI लगा लीजिए, 12 नंबर का मोस्ट VBI है। ड्रा द आर्किटेक्चर डायग्राम ऑफ 8051, या फिर यही को यहाँ पे लिखे ड्रा द ब्लॉक डायग्राम, ठीक है ना, आर्किटेक्चर का क्या ब्लॉक 8051, तो भी दोनों का आंसर क्या होना चाहिए, सेम होगा, आर्किटेक्चर का भी ब्लॉक डायग्राम क्यों होगा सेम, तो इसलिए सेम होगा क्योंकि यहाँ पे नेम स्पेशल लिख चुका है 8051, और इसको एक्सप्लेन कर देना है ब्रीफ में, ठीक है। आगे 13 नंबर क्वेश्चन, ये भी इस पे भी आप VBI लगा लीजिए, जितना स्टार लगा रहे हैं ये काफी इंपॉर्टेंट, वही इंपॉर्टेंट में भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। व्हाट इज प्रोग्राम स्टेटस वर्ड, या प्रोग्राम स्टेटस वर्ड, या सिंपली लिख देता PSW, ठीक है, या फिर व्हाट इज प्रोग्राम स्टेटस वर्ड कुछ भी लिख सकता है। 8051 में क्या होता है, जिसको हम लोग सिंपल किस नाम से जानते हैं, फ्लैग रजिस्टर के नाम से जानते हैं, ये क्या होता है इसको बारे में बताना, कौन कौन से इसमें होता है, तो यहाँ पे जो भी एक्सप्लेन कर देना है फ्लैग को, कौन कौन से फ्लैग होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन टाइमर एंड काउंटर, इसको भी आप VBA के कैटेगरी में रख सकते हैं। टाइमर एंड काउंटर का डिफरेंस क्या होगा ये बताना है, एक्सप्लेन है डिफरेंस मोड, इसमें कुछ मोडे हम बताएं, टाइमर 1, टाइमर 0, काउंटर 1, काउंटर 0, जो मोड बताएं वो मोड को आपको बताना है कि क्या मोड होता है इसमें, कैसे हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, ड्रा द पिन डायग्राम ऑफ 8085 प्रोसेसर, इस क्वेश्चन को निगलेक्ट कीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन ये यहाँ पे 11 नंबर में हम दे चुके हैं, ये दोबारा रिपीट हो गया है क्वेश्चन, ठीक है। आगे डिस्क्राइब द आयो पोर्ट एंड देयर फंक्शन ऑफ, ये VBA क्वेश्चन लगा लीजिए, कितने तरह का आयो पोर्ट होता है, 4 तरीका से, पोर्ट 0, पोर्ट 1, पोर्ट 2 एंड पोर्ट 3, और सारे का फंक्शन क्या है ये भी आप लोग को हम बता चुके हैं। ये आगे है क्वेश्चन नंबर 17, वराइट द फीचर्स ऑफ 8051 कंट्रोलर, इसका भी VBI लगा लीजिए, मतलब VBI में VBI है इस, ठीक है ये। और क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट आर द स्पेशल पर्पस रजिस्टर, यानी ये भी आप लगा सकते हैं, व्हाट आर द स्पेशल फंक्शन रजिस्टर ऑफ 8051, तो ये सारे क्वेश्चन है, 18 नहीं, इसमें से आप 17 क्वेश्चन ले लीजिए, 17 क्वेश्चन VBI था, और 17 क्वेश्चन में VBI में भी हमने कितना VBI लगाया, तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 इधर हो गया, और इधर हो गया 2, 3, 4, मतलब 10 क्वेश्चन, 17 में हमने 10 क्वेश्चन में स्टार लगाया है, अब ये 10 काफी इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। ऐसे अभी आप लोग को 17 का 17 ही करना है, और इसको नोट्स बना करके एक क्वेश्चन बैंक जिसको हम लोग बोलते हैं, वो क्वेश्चन बैंक आपका तैयार हो जाएगा, तो क्वेश्चंस बैंक ये तैयार हो जाएगा यूनिट 1 के, इसी तरीके से यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5, सारे का क्वेश्चन देख लेंगे, तो नोट्स के साथ साथ आपको क्वेश्चन बैंक भी तैयार, एग्जाम में नो टेंशन, एग्जाम टाइम नो टेंशन, हमें क्वेश्चंस बैंक खरीदना है या क्या करना है, बस समझ में आया। तो ये था हम लोग का पूरा VBI क्वेश्चन और एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन, तो आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा तो अपने फ्रेंड्स के पास ये सारे जितने भी वीडियो है आप पॉलिटेक्निक क्लासेस का, ये वीडियो सब शेयर करेंगे, ठीक है। जो कोर्स नहीं लिए हैं अभी तक वो कोर्स को भी ले लेंगे, वो कोर्स रनिंग है, जो अभी तक कोर्स नहीं लिए हैं वो कोर्स को परचेस कर लेंगे, ठीक है। किसी भी तरीके से कुछ परेशानी होता है तो 9204047883 पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक्स का यूनिवर्सल नंबर है, इस पर आप कॉन्टैक्ट कर करके आप लोग कोर्स को परचेस कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।
ठीक है, थैंक यू एवरीवन।